हेलो एवरीवन, कलाम इनोवेशंस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट जो कि है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जंगलों के अंदर रहती है कि अगर किसी एक एरिया में आग लग जाती है तो इन्फॉर्मेशन दूसरे एरिया तक नहीं पहुँच पाती। कभी कभी वाइल्ड टावर को लैग करता है, कभी और भी बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं, कनेक्टिविटी के इशूज़ रहते हैं कि अगर एक एरिया में आपका फायर लग रहा है तो दूसरे एरिया तक इन्फॉर्मेशन जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। तो ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है स्पेशल टेक्निक से, जिसमें आप आरएफ बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप डाटा भेज सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो उन एरियाज से जहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं है उन एरियाज तक जहाँ पर आप नेटवर्क आ जाते हैं। जो आपने ब्लॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक्स लगा रखे हैं हमने। ब्लॉक 1 है जब फोकस करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक वो एरिया दिखा रहे हैं हम लोग जहाँ पर आग लगेगी। एंड ब्लॉक 2 है, ये हमारा राउटर एरिया है। यहाँ से क्या होगा, राउटर एरिया से क्या होगा कि सिग्नल आपका जो भी होगा वो सेंट्रल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यानी कि जंगल के किसी भी एरिया में इन्फॉर्मेशन अगर आग की है तो वो अपने सेंट्रल पॉइंट तक सेंड करेगा और सेंट्रल पॉइंट से उस इन्फॉर्मेशन को भेजा जाएगा, उस एरियाज तक भेजा जाएगा जहां पर आपका IoT मॉड्यूल यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गया होगा। IoT मॉड्यूल उस इन्फॉर्मेशन को नोटिफिकेशन के थ्रू भेजेगा, मैसेजेस के थ्रू भी आप उसको भेज सकते हैं, और भी मल्टीपल टेक्निक से आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि फायर किस एरिया से किस एरिया में ट्रांसमिट कर रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फायर भी आप पता कर सकते हैं। हमने डेमोंस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए हैं। हमने नंबर 1 पॉइंट लिया है जहाँ पर आग लग रही है, नंबर 2 सेंट्रल राउटर पॉइंट लिया है जहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंट्रली ट्रांसमिट की जाएगी, एंड नंबर 3 वो एरिया लिया है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस के थ्रू भेज सकते हैं, अदर एरियाज में भेज सकते हैं हम लोग। तो हम इसको डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, हम जो फायर एरियाज है वो बढ़ा भी सकते हैं। 1, 2, 3 नंबर ऑफ हमने एरिया छोड़ रखा है, यहाँ पर आप फायर पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर आग लग गई है दूसरे एरिया में। सेंट्रल पॉइंट जो है वो सेंट्रल सर्वर पॉइंट जो है वो सिंगल ही रहेगा, यानी आग कहीं भी लगे तो सेंट्रल पॉइंट जो कि रिपीटर यूनिट भी कहते हैं हम इसको, जो रिपीटर यूनिट तक सिग्नल भेजेगा, यानी कि यहाँ आग लग रही है या इस एरिया पर या दूसरे एरिया में लग रही है तो वो सेंट्रल रिपीटर यूनिट पर बोलेगा, सिग्नल भेजेगा। तो वो रिपीटर यूनिट क्या करेगा, आपके फॉरेस्ट से बाहर तक सिग्नल को लेकर जाएगा, और ये सारा का सारा जो है वो RF ट्रांसमीटर रिसीवर के थ्रू डन हो रहा है। ये हमारा सेंसर है जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट को में जो फायर लगी है उसको सेंस करेंगे। देन हमारा इसके बाद RF ट्रांसमीटर है, ये सेंस करेगा, ये एंटीना की शक्ल में हमने दे रखा है, ये दूसरे RF नेटवर्क से पहले RF नेटवर्क से दूसरे RF नेटवर्क में भेजेगा, ये रिसीव करेगा सेंट्रल यूनिट, फिर ये भी RF के थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू ही सिग्नल जो है बाहरी इलाके में भेजेगा, फिर ये RF मॉड्यूल जो होगा वो IoT के थ्रू, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी आ चुकी होगी, आपके सिग्नल को जहाँ पर भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी भेजना चाहते हैं भेजेंगे। ना सिर्फ आप ये करेंगे बल्कि आपको एक अलार्म भी देगा, ये जो थर्ड यूनिट हमारा है अलार्म भी देगा, उसके साथ साथ आपका एक लोड है वो भी ऑफ करके दिखाएगा, यानी कि आप ऑप्टिकल यूनिट्स के थ्रू, यानी कि आप किसी सिग्नल को जैसे लाइट वगैरह जब बंद हो जाती है तो आप ईजिली देख सकते हैं कि कोई एक्टिविटी यहाँ पर हुई है। डेमोंस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं, लेट्स सी द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ इट। लेट्स सी द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ इट। RF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के अंदर भी अब पावर सप्लाई आ रही है और लोड्स वगैरह सब एक्टिवेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा इंफ्रारेड सेंसर यूनिट है, यही हमने लगाया है फायर को सेंस करने के लिए। तो हम देखते हैं जैसे ही आपका फायर सेंस कर रहा है तो ये आपका ट्रांसमीटर ने भेजा है दूसरे रिसीवर तक, इस यूनिट के रिसीवर तक भेजा है, और इस यूनिट के ट्रांसमीटर ने जो है डेटा दूसरे यूनिट के रिसीवर तक भेजा, और वहाँ से आपका लोड शटडाउन हो गया है। ना सिर्फ लोड शटडाउन हो गया है बल्कि आपका बज़र बजा है उसी वक्त, और उसके साथ में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जो हम आपको एप्लीकेशन पर दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन के फायर प्रोटेक्शन नोटिफाई अलर्ट, यानी कि आपका इस एरिया में इस यूनिट पर जो है आग लग गया। एक बार और डेमोंस्ट्रेशन हम दिखा देते हैं कि जैसे ही ये फायर डिटेक्ट करेगा तो कैसे आपका, देखिए लोड बंद हो गया है, अलार्म स्टार्ट हो गया है और नोटिफिकेशन आपका पहुंच गया है सिस्टम तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फायर प्रोटेक्शन नोटिफाई अलर्ट आ गया है आपका, और इतनी देर आपका लोड भी बंद रहेगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पर आग लगी है, और उस एरिया में इवन जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह कुछ लगे होंगे तो वो भी आपको शटडाउन मिल जाएगा, उसके साथ में एक अलार्म भी चल जाएगा। और जो IoT मॉड्यूल यहाँ पर हमने लगा रखा है, ये आपका डिफरेंट रिलेज के थ्रू जो है लोड्स को बंद करेगा, अलार्म को चलाएगा, ना सिर्फ लोड्स अलार्म को चलाएगा बल्कि नोटिफिकेशन भेजने का भी काम करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, इसके अंदर तीनों यूनिट्स एक साथ काम करती हैं। पहली यूनिट जो है वो आपको डाटा ट्रांसमिट करती है दूसरी यूनिट तक, और दूसरी यूनिट डाटा ट्रांसमिट करती है तीसरी यूनिट तक, यानी कि पहला जो RF ट्रांसमीटर है वो फायर सेंस करके सिग्नल भेजता है दूसरे RF रिसीवर तक, और जो दूसरा जो सेंट्रल पॉइंट है वो अपना दूसरा RF ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजता है RF
मॉड्यूल तीसरी यूनिट तक, यानी कि एक पूरा मैश है यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी नेटवर्क्स का, आरएफ मॉड्यूल नेटवर्क्स का एक पूरा मैश है यहाँ पर, जो कि आपको विदाउट नेटवर्क फायर को डिटेक्ट करके सिग्नल ट्रांसमिट करवाएगा। उसके बाद आप जब नेटवर्क एरिया में पहुँच जाएंगे, सो यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, आप उसको इंटरनेट आईओटी के थ्रू भी भेज सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ द जीएसएम मॉड्यूल, इवन वी हैव यूज द अप्लाइंसिस इंस्ट्रूमेंट्स कंपोनेंट्स टू शट डाउन द लोड्स एंड इवन फॉर द अलार्म, तो आप जो चाहें उसके बाद कर सकते हैं। तो जो समस्या सबसे बड़ी है फॉरेस्ट के अंदर कि नेटवर्क अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो पाती, वो आईओटी बेस्ड फायर प्रोटेक्शन मॉड्यूल विद आरएफ इनेबल्ड सिस्टम जो है, इसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट का, उससे आप दूर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एनालिसिस के लिए भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारे इस पर रिसर्च वर्क फर्दर किए जा सकते हैं। ये एक मॉड्यूल है, बिल्कुल फ्रेश है, जो इंटरनेट पर आपको थोड़ा मुश्किल से देखने को मिलेगा। सो कीप वॉचिंग कलाम इनोवेशंस, कलाम प्रोजेक्ट्स इंडिया।